हिस्ट्री. द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री दैट वी विल स्टार्ट. सो बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक आई वॉन्ट टू डिस्कस, बिकॉज इन हिस्ट्री वट एवर चैप्टर वी हैव स्टडीड, इन ऑल द चैप्टर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट विच टाइम पीरियड. ठीक है, सो फर्स्ट लेट मी नो, लेट्स रिकॉल ऑल द चैप्टर्स दैट वी हैव डन इन हिस्ट्री. ठीक है, सो वी हैव डन डिस्कस्ड द हिस्ट्री डिफरेंट टॉपिक्स अबाउट विच टाइम पीरियड वी हैव डिस्कस्ड. यस, हाँ जी तरन्या. यस बेटा, मॉडर्न टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिशर्स. यस, कॉलोनियल टाइम पीरियड व्हेन ब्रिटिशर्स वर हियर. ठीक है, उन ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में विच वर द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज दे अडॉप्टेड, व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ ट्राइबल्स, देन डिफरेंट फार्मर्स, ये सब कुछ हमने स्टडी किया है ना. द सिचुएशन ऑफ वुमेन इवन इन द प्रीवियस, देन स्टेट ऑफ इंडस्ट्रीज, वो भी हमने स्टडी किया. तो जितने टॉपिक्स हमने स्टडी किए हैं, सो डू यू थिंक दैट ऑल द इंडियंस दे वर सेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल? की हाउ वाज द ब्रिटिशर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल, और व्हाट वर द फीलिंग्स एट दैट टाइम? हां जी आरिश मैम, द इंडियंस वर नॉट सेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल. इंडियंस वर नॉट सेटिस्फाइड, दे व्हाट डू दे वांट देन? एनीथिंग, दे वांट टू चेंज इट और दे वांट टू कीप इट और ओनली दे वांट टू इंप्रूव इट? क्या करना चाहते थे, है ना? बिकॉज दे वर नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है, इंडियन सेटिस्फाइड नहीं थे. टाइम टू टाइम हमने देखा कि बहुत सारी जो डिफरेंट टॉपिक्स हमने किए ना, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए, रिबेलियंस भी, 1857 रिवोल्ट भी हमने पढ़ी है ना. 1857 के रिवोल्ट भी हो गई थी. वो रिवोल्ट क्यों हुई थी? दे वॉन्ट टू चेंज द ब्रिटिश रूल. वो ब्रिटिश रूल को चेंज करना चाहते थे ना. सो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है कि इंडियंस जो थे उनका क्या, हम कह सकते हैं कि किस तरह इंडियंस रिएक्ट कर रहे थे. ठीक है, तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है? द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट. ठीक है, हम किसको बना रहे हैं? नेशनल मूवमेंट. नेशनल मूवमेंट, और ये किस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं? 1870 से 1947. इट मींस कि जब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली उस टाइम पीरियड की अब हमने बात करनी है. ठीक है, कि हमारी, हमने बहुत सारी सिचुएशंस अभी देख ली हैं, क्या क्या सिचुएशंस उस ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में बनी हुई थी, ब्रिटिशर्स कैसे रिएक्ट कर रहे थे इंडियंस के ऊपर, वो एक्सप्लॉयटेड हो रहे थे डिफरेंट लेवल्स पे, अलग अलग डिफरेंट उनके मन में क्रिटिसिज्म आ रहा था रिगार्डिंग द ब्रिटिश रूल, दे वर क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश रूल, और उसके अकॉर्डिंगली कैसे अब ये नेशनल मूवमेंट बनी. ठीक है, जो कि नेशनल मूवमेंट 1947 में हमें इंडिपेंडेंस के गोल तक लेके गई. ठीक है, तो इसको हम स्टडी करते हैं. तो जितने भी हमने टॉपिक्स पीछे पढ़े हैं तो उसमें हमें पता चला कि ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स ने कई नई नई टेरिटरीज को कंकर किया. ठीक है, उनको जीता ब्रिटिशर्स ने. उन टेरिटरीज पे कंट्रोल करने के बाद उन्होंने कई लॉज ऐसे पास किए जिन लॉज का जो था अलग अलग रिएक्शन था इंडियंस के बीच में. ठीक है, और फिर पीजेंट्स ट्राइबल्स की लाइफ कैसे चेंज हुई. अभी मैं आपके साथ ये पिक्चर शेयर करती हूँ आपकी बुक की. सो यहाँ पे ये पुलिस जो है उसने टियर गैस छोड़ी हुई है जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे. जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी हमारी नेशनल मूवमेंट का एक पार्ट रहा है. ठीक है, तो ये उस टाइम पर जो लोग हैं वो किस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं.
इस क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे वो पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है। तो इससे आपका ये टॉपिक स्टार्ट है। तो इसमें सबसे पहले हमने अभी जितने भी क्वेश्चंस देखे कि ब्रिटिशर्स ने कई टेरिटरीज को कंकर कर लिया, कई नए लॉज बना दिए, है ना, पीजेंट्स ट्राइबल्स इनकी लाइफ को अफेक्ट किया, कई जो उन्होंने लॉज बनाए कई ना कई तरीकों से उन्होंने इनको एक्सप्लॉइट किया, इनकी लाइफ में काफी चेंजेस आए, ठीक है। एजुकेशनल चेंजेस क्या थे, वुमेन की कंडीशन को लेके कई तरह के अलग अलग डिबेट्स थे, ठीक है, कई तरह के लॉज भी पास हुए। कास्ट सिस्टम में भी कई चैलेंजेस आए, वो भी हमने पिछले टॉपिक्स में देखा है। सोशल रिलीजियस कई रिफॉर्म्स वो भी किए, ठीक है, वो रिफॉर्म्स, और उन रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग भी लोगों का अलग अलग व्यू पॉइंट था। कुछ लोगों ने इसको रिफॉर्म्स को किसी तरीके से लिया, कईयों ने किसी तरीके से लिया। उसके बाद 1857 की रिवोल्ट भी हमने पढ़ी, इंडस्ट्रीज का कैसे डिक्लाइन हुआ, कुछ इंडस्ट्रीज का जो क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज उनका डिक्लाइन हुआ, लेकिन जो आयरन स्टील इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री इनकी डेवलपमेंट भी हुई। ये बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। और इन सभी इश्यूज के बाद अब जो इंडियंस थे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स रूल के साथ वो क्या थे, डिसकंटेंटेड, ठीक है, मींस दे वर नॉट सेटिस्फाइड। डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट क्लासेस दे वर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल, ठीक है। हां जी अश्वित, यू हैव रेज योर हैंड, हैव यू एनी डाउट? यस अश्वित, कीप योर वीडियो ऑन। हां जी, यस अर्शवित, गुड मॉर्निंग मैम। हां जी बेटा। मैम जो ये डेट लिखी हुई है चैप्टर में 1872 to 1947, मैम ये इतनी देर नेशनल मूवमेंट चली थी? यस, अब ये मूवमेंट हम ये नहीं कि लोगों ने कंटिन्यूस चल रही है, इन बिटवीन कई इंसिडेंट्स हैं, ठीक है, तो ये सारे हम इसी चैप्टर में देखेंगे कि क्या क्या इसकी डेवलपमेंट हुई। नेशनल मूवमेंट मींस एक लोगों के बीच में फीलिंग क्रिएट हो गई है कि हमने इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाना है, और उसके लिए क्या क्या टाइम टू टाइम उनके हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेस कैसे हुई नेशनल मूवमेंट की, कैसे वो चली, ठीक है। तो ये आइडिया कैसे डिवेलप हुआ और ये आइडिया डिवेलप होके इंडिपेंडेंस तक कैसे लेके गया वो हमने देखना है। नो डाउट आइडिया पहले भी डिवेलप हो चुका था, 1857 रिवोल्ट हुई थी, लेकिन 1857 रिवोल्ट सक्सेसफुल क्यों नहीं थी? हैव एनीवन रिमेंबर कि व्हाट वाज द रीजन कि 1857 की रिवोल्ट जो थी, नो डाउट बहुत सारे लोगों ने रिवोल्ट किया था लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं थी, ठीक है, हम ब्रिटिशर्स को यहां से निकाल नहीं पाए बाहर। व्हाट वाज द ड्रॉबैक इन दैट, क्या रीजन रहा होगा? हां जी आरिश, कीप योर वीडियो ऑन बेटा। यस आरिश, यू हैव रेज्ड योर हैंड, कीप योर वीडियो ऑन। मैम वो वेबकैम नहीं चल रहा था इसलिए वीडियो नहीं ऑन की। हां जी बोलो। मैम उसका ड्रॉबैक इसलिए था क्योंकि देयर वाज नो कमेटी फॉर्म्ड सो दैट दे फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, पीपल वर फाइटिंग, वो सिर्फ सो उनके पास कोई कमेटी नहीं थी, कोई ग्रुप नहीं था, वो सिर्फ सोलो ब्रिटिशर्स से एक एक करके फाइट कर रहे थे। दे वर नॉट यूनाइटेड, है ना, कि अलग अलग मूवमेंट हुई, अलग अलग इंसिडेंट्स हुए। नॉर्थ इंडिया में मोस्टली ये जो 1857 की रिवोल्ट थी ये हुई, मतलब सदरन इंडिया के कई पार्ट्स तो इससे अनअटैच्ड थे, वहां पे तो कोई रिवोल्ट हुई नहीं। तो इट मींस कि ये जो 1870 की रिवोल्ट थी ये कहीं ना कहीं लोग इसमें यूनाइटेड नहीं थे, कोई इधर से लड़ रहा है। नो डाउट बहादुर शाह जफर को उन्होंने बना भी दिया था अपना लीडर, लेकिन फिर भी कोई प्लानिंग नहीं थी कि हमने इस दिन इकट्ठे यहाँ पे इनके खिलाफ रिवोल्ट करना है, कोई प्लानिंग। नो डाउट अगर प्लानिंग होती तो उसी टाइम ब्रिटिशर्स यहाँ पे चले भी जाते, लेकिन किसका कमी किसकी रह गई, प्लानिंग की कमी रह गई, उनकी यूनिटी की कमी रह गई, ठीक है, कहीं ना कहीं। और जो ब्रिटिशर्स के एम्यूनिशन थे वो तो स्ट्रांग थे ही, लेकिन फिर भी अगर प्लानिंग होती तो कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल हो जाते। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं नेशनलिज्म की, ठीक है, तो नेशनलिज्म का पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? तो नेशनलिज्म क्या है, फीलिंग
ऐसी फीलिंग। अब सबसे पहले नेशनलिज्म का मीनिंग करने से पहले ये हम देखते हैं कि इतनी सारी जो भी डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अभी हमने देखा कि डिफरेंट गवर्नमेंट ने लॉस पास किए, एरियाज को अपने कंट्रोल में कर लिया, रिवोल्ट भी होगी, वो भी उन्होंने लोग हरा दिया लोगों को, ठीक है, ब्रिटिशर्स, फिर उसमें विक्ट्री हो उनकी हो गई। तो अब लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था, ये जितने डेवलपमेंट्स थी ना इनके बाद में लोगों के माइंड में क्या आ रहा था, लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन था कि इंडिया जो है कि ये ब्रिटिशर्स किसके ऊपर डिपेंड रूल कर रहे हैं, इंडिया, क्योंकि इंडिया जो हम आज कंसिडर कर रहे हैं, जो इंडिया की हम आज पॉलिटिकल बाउंड्री कंसिडर कर रहे हैं, ये व्हेन ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया दिस बाउंड्री वाज नॉट हियर। अभी हमने डिस्कस किया ना कि अलग अलग डिफरेंट किंग्स का रूल था, है ना, डिफरेंट रूलर्स थे अलग अलग एरियाज में, डिफरेंट रूलर्स थे, जैसे पिछली क्लासेस में आपने मुगल एम्पायर के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स, उनके बाद में जो और आगे रूलर्स आए, जैसे अभी सबसे पहले टॉपिक में आपने डिफरेंट डायनेस्टीज के बारे में, ठीक है, उन रूलर्स को हराया उन्होंने, तो उन रूलर्स को हराने के बाद ब्रिटिशर्स ने अपना यहाँ पे एम्पायर एस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। तो इट मीन्स यहाँ पे कोई इंडिया की बाउंड्री नहीं थी, ठीक है, तो इंडिया जो हम आज कहते हैं ना कि ये कंट्री इंडिया, तो ये क्वेश्चन उनके मन में आना शुरू हुआ कि व्हाट इज दिस कंट्री इंडिया एंड फॉर होम इट इज मीन, कि इंडिया है क्या। पहले तो उनके माइंड में, ये सभी लोगों के माइंड में, कि हम अकेले अकेले तो सभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ हैं, तो हम सभी इंडियंस हैं और इंडिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या वर्ड यूज कर रहे थे इन पूरे एरिया के लिए, इंडिया, है ना, पहले तो अलग अलग रीजन थे, अलग अलग रियासतें थी सभी किंग्स की। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो उन्होंने दिया, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, आंसर ये था कि इंडिया क्या है, इंडिया वो सारे लोग हैं सभी, क्योंकि यहाँ पे एक लैंग्वेज के लोग नहीं थे, एक रिलीजन के लोग नहीं थे, ठीक है, तो इंडिया कौन है, सभी पीपल, ऑल द पीपल, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर, तो इन सबके बिना बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी लोग इंडियंस हैं, ठीक है। हाँ जी लविश, कीप योर वीडियो ऑन फर्स्ट। हाँ जी मैम, मेरी ना क्लास लग नहीं रही थी, तो आप थोड़ा सा पीछे जाके मेरे को समझा दोगे, यहाँ से यही से थोड़ा सा शुरू से। अभी हमने टॉपिक बेटा स्टार्ट किया है, ठीक है, जो भी हमने हिस्ट्री के अभी तक टॉपिक डिस्कस किए हैं उनके बेस पे अब ये जो टॉपिक है हमारा, मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, और लविश आप डेली क्लास में लेट ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट जो हो रही है, तो नेशनलिज्म उसमें फीलिंग क्रिएट हो रही है, ठीक है, कि हमारी इंडिपेंडेंस तक जो नेशनल मूवमेंट है वो हमने इस चैप्टर में स्टडी करनी है कि 1870 के बाद क्या डेवलपमेंट्स हुई, और वो डेवलपमेंट्स जितनी भी हुई वो हमारे कंट्री की इंडिपेंडेंस तक कैसे लेके गई हमें, ठीक है, हम इंडियंस ने इंडिपेंडेंस कैसे गेन की। नो डाउट 1857 की रिवोल्ट हुई, छोटी मोटी बहुत सारी रिवोल्ट हमने पढ़ी कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियंस ने की, अब सभी लोगों ने इकट्ठे होके जो यूनाइटेड होके कैसे अपनी इंडिपेंडेंस को गेन किया। तो सबसे पहले हमारे हमने बात की नेशनलिज्म की, कि नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी वो लोगों में क्रिएट होनी शुरू हो गई, ठीक है, तो नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे क्रिएट हुई, एक क्वेश्चन जिसका कि सब लोगों ने आंसर क्या दिया कि इंडिया वो सारे लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं, जो इस जगह पर रहते हैं, चाहे उनकी कलर, कास्ट, लैंग्वेज कुछ भी है, लेकिन वो सभी किसको बिलोंग करते हैं, इंडिया को बिलोंग करते हैं, ठीक है, और इंडिया में ये लोग, यहाँ के रिसोर्सेज, मतलब जो कुछ भी इंडिया में है वो सारा इंडिया का है, इंडियंस का है, ब्रिटिशर्स का नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वो इंडिया के रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। ये फीलिंग सबसे पहले लोगों के मन में आई, ये थी नेशनलिज्म की फीलिंग, ठीक है, वननेस, यूनिटी की फीलिंग, कि दे आर वन, ऑल इंडियंस इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द डिफरेंसेस दे आर वन, सो ब्रिटिशर्स आर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर देम, कंट्रोल ओवर द पीपल, कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इन सब के ऊपर ब्रिटिशर्स अपना कंट्रोल कर रहे हैं,
और इस कंट्रोल को हमने क्या करना है, खत्म करना है, ठीक है, तभी इंडिया किसका होगा, इंडियंस का होगा, क्लियर। सो अब ये कॉन्शियसनेस थी, नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म एक फीलिंग थी, एक कॉन्शियसनेस थी, ठीक है, जो अवेयरनेस थी जो लोगों में आनी शुरू हुई, ठीक है, एक अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस की लोगों में आनी शुरू हुई कि इंडिया बिलोंग्स टू इंडियंस, सो ब्रिटिश आर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर दिस लैंड। तो ये जो कॉन्शियसनेस थी तो ये लोगों में बेहद बहुत क्लियरली आनी शुरू हो गई, और 1850 के बाद ही बहुत सारी एसोसिएशंस भी बननी, पॉलिटिकल एसोसिएशंस। पॉलिटिकल एसोसिएशंस मींस ग्रुप्स तो कई बनते हैं, एसोसिएशन कई बनती हैं, लेकिन विच आर फॉर्म फॉर पॉलिटिकल पर्पस। पॉलिटिकल पर्पस मींस गवर्नमेंट बनाने के लिए जो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, अभी कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, पॉलिटिकल एसोसिएशंस ही हैं। तो यहाँ पे भी कई पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाई गई, किसके लिए, इस नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करने के लिए बनाई गई, ठीक है, और बहुत सारी एसोसिएशंस बनाई गई 1850 के बाद से बननी शुरू हो गई थी, ठीक है, 1870 और 1880s में बहुत सारी बनी, और किसके द्वारा बनाई गई, मोस्टली बाय द इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स थे जैसे कि लॉयर्स थे जो कि इंग्लिश एजुकेशन ले चुके थे, मोस्टली इन प्रोफेशनल्स ने ये सारी जो थी डिफरेंट एसोसिएशंस ये बनाई, ठीक है, और इनमें कुछ नेम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये कुछ नाम है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी इस टाइम पे बनी है ना। सो ये इसके बाद जो पैराग्राफ दिया गया है, पूरन सार्वजनिक सभा, इसके एक नेम को थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, तो हाँ जी लविश, योर हैंड इज स्टिल रेस्ड बेटा, हाँ जी लविश ये रीड करो पैराग्राफ। नोट द नेम पूना सार्वजनिक सभा, द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज ऑफ और फॉर ऑल द पब्लिक, सर्वा इज इक्वल टू ऑल प्लस जनिक इज इक्वल टू ऑफ द पीपल, थ्रू मेनी ऑफ दीज एसोसिएशंस फंक्शन इन स्पेशल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, their goals were stated as the goals of all the people of India, not those of any one region, community or class. They worked with the idea that the people should be ma'am, ye kya likha hai, sovereign, a modern consciousness and a key feature of nationalism. In other words, they believed that Indian people should be empowered to take decision regarding their affairs. ठीक है, तो अब ये एक जैसे different associations बनाई गई ना, तो एक association के नाम को उन्होंने थोड़ा उसको meaning बताया है, जैसे सार्वजनिक means सभी लोगों की, कि इसमें सभी लोग इसके member बन सकते हैं, चाहे वो किसी भी color के हैं, किसी भी creed के, किसी भी language, religion के हैं, so any region, किसी भी area के हैं, एनी रीजन। रीजन और रिलीजन में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक तो यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, एक वर्ड होता है रिलीजन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस रीजन एंड रिलीजन। हाँ जी यस हरमन पाल, कीप योर वीडियो ऑन बेटा। हाँ जी गुड आफ्टरनून मैम, difference between region and religion, ma'am region is a place and religion is a like we say that dharam, theek hai, to region ho gaya koi bhi area place, aur religion the different belief system whom we worship, theek hai, to region कम्युनिटी किसी भी रीजन को बिलोंग करता है, किसी कम्युनिटी या किसी क्लास को बिलोंग करता है, सबकी ये सभा है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की सभा नहीं है, ठीक है, और ये इनका गोल, ये सारी एसोसिएशंस क्यों बनाई गई हैं,
देयर गोल मीन्स गोल ऑफ ऑल इंडियंस, सभी लोगों का ये गोल है, सिर्फ इस सभा का ये एक पर्टिकुलर ग्रुप का गोल नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम या सिख इनका गोल नहीं है, सभी ऑल इंडियंस का ये गोल है टू फ्री इंडिया, और एक गोल सॉवरेन का आइडिया। अब ये सॉवरेन का आइडिया क्या है? सॉवरेन मीन्स कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है? एक सॉवरेन कंट्री। इंडिया सॉवरेन कंट्री है, अभी सॉवरेन कंट्री है, लेकिन व्हेन ब्रिटिशर्स वर हियर सो एट दैट टाइम इंडिया सॉवरेन नहीं था, बिकॉज इंडिया वाज कलोनियल था, अब सॉवरेन है, ठीक है। सो सॉवरेन मीन्स नेशनलिज्म में उस टाइम पर ये फीलिंग भी उनमें आनी शुरू हुई कि इंडिया के लोगों को अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। सॉवरेन मीन्स कि इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड, उनके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपने सारे डिसीजंस खुद ले सके, जो भी उनके डिसीजंस अपने कंट्री से रिलेटेड डिसीजंस हैं कि अपने कंट्री के रिसोर्सेज को हमने कैसे यूज करना है, तो वो डिसीजंस वो ले, ना कि ब्रिटिशर्स, क्योंकि यहाँ के रहने वाले कौन है? इंडियंस। तो ये डिसीजन भी किसका होना चाहिए? इंडियंस का, और ब्रिटिशर्स आउटसाइडर्स हैं, सो दे हैव टू लीव। तो ये कॉन्शियसनेस क्रिएट होनी शुरू हो गई, ठीक है। नेशनलिज्म की फीलिंग, नेशनलिज्म का मीनिंग पता क्लियर हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? फीलिंग ऑफ यूनिटी, फीलिंग ऑफ वननेस, ठीक है, एंड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और नेशनलिज्म मीन्स दैट all the people of India, they have control over Indian resources, means for which Indian? All Indian, without any discrimination. Different associations were formed and their idea was to get sovereign, India as a sovereign country, where the people are empowered to take their decisions. So this is the idea of nationalism. Ab ye jo nationalism ka idea tha, अब इसमें धीरे धीरे हमें ये पता है कि जो डिफरेंट लोगों में डिससेटिस्फेक्शन जो थी वो आनी शुरू हो गई थी। देयर वॉज डिससेटिस्फेक्शन इन द ब्रिटिशर्स, फॉर द ब्रिटिशर्स, इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। और ये जो डिससेटिस्फेक्शन थी ये बहुत ज्यादा इंटेंसीफाइड होनी शुरू हो गई। मतलब पहले डिससेटिस्फेक्शन तो थी, अलग अलग ग्रुप्स में थी, लेकिन ये सारी लोग कैसे इकट्ठे आने शुरू हो गए, इंटेंसिफाइड और ज्यादा कैसे हो गई? इसके दो रीजंस हैं। पहले तो 1870 और 1880 की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि 1878 में एक्ट पास किया गया, आर्म्स एक्ट। और इस आर्म्स एक्ट में क्या कहा गया? इसमें कहा गया डिस अलाउ सिटीजंस फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स, कि जो इंडियंस हैं वो आर्म्स नहीं रख सकते, उनको डिस अलाउ कर दिया गया, ठीक है। आर्म्स एक्ट की अगर किसी को देख लिया गया आर्म्स रखे हुए तो उसको उसे वो सीज कर लिए जाएंगे, जो भी आर्म्स या म्यूनिशन उसने रखे हुए हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोई भी अपने पास आर्म्स, मतलब कोई भी हथियार नहीं रख सकता, तो आर्म्स एक्ट पास किया गया। उसके बाद एक और एक्ट पास किया गया, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट, वो भी उसी ईयर में पास किया गया, 1878 में, ठीक है। अब ये एक्ट जो पास किया गया, ये क्यों पास किया गया? इट वॉज एन एफर्ट टू साइलेंस दोज हु वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब वो लोग जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते हैं, प्रेस एक्ट मतलब कि जो भी पब्लिश किया जा रहा है न्यूज़पेपर्स में, ठीक है, न्यूज़पेपर्स में जो भी डिफरेंट ब्रिटिशर्स के रिगार्डिंग क्रिटिसिज्म लिखा जा रहा है, तो वो नहीं लिखा जाएगा। अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी लिखा जाता है तो इट दिस एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को इस एक्ट के बाद क्या होगी, परमिशन मिल गई कि वो उस न्यूज़पेपर की सारी एसेट्स को कॉन्फिस्केट कर ले, अपने कब्जे में ले ले, उनकी प्रिंटिंग प्रेस को अपने कब्जे में ले ले, कहीं भी कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल मिलता है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्शनेबल क्या होगा? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ होगा, ठीक है, कुछ भी कहीं भी ऑब्जेक्शनेबल मिलता है तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस न्यूज़पेपर को, वहां की पूरी उसकी जो भी एसेट्स वगैरह, उसको जब्त कर लेगी, ठीक है। ये दो एक्ट पास किए गए। उसी के साथ
एक और उस टाइम पीरियड में 1883 में एक वहां पे गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया था, इल्बर्ट बिल। ठीक है, वो इल्बर्ट बिल क्या था? इस बिल में जैसे जितने भी ब्रिटिश यूरोपियन पर्संस हैं, ठीक है, ट्रायल मतलब कोई भी उनके खिलाफ अगर केस होता है ना, चाहे वो ब्रिटिशर्स या यूरोपियन जो इंडियंस हैं, ठीक है, मतलब इंडियंस हैं, अगर उनके खिलाफ कोई केस होता है तो वो उस केस को सुनेंगे, क्योंकि ये नहीं कि ब्रिटिशर्स अगर किसी के खिलाफ केस है तो उसकी सुनवाई सिर्फ ब्रिटिश कोर्ट में ही होगी, इंडियन जज उसकी, क्योंकि इंडियंस भी लॉयर्स उस टाइम पर बन गए थे, इंडियन जजेस भी बन गए थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कानून पास कर दिया था कि जो ट्रायल है ब्रिटिश या यूरोपियन पर्सन का, तो वो इंडियंस के द्वारा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ब्रिटिश जजेस के द्वारा ही होगा। ठीक है, तो ये इल्बर्ट बिल पास किया गया, लेकिन इसमें उन्होंने एक तरीके से ब्रिटिश या इंडियन जजेस के बीच में इक्वालिटी लाने की कोशिश की, लेकिन इसका जो ऑपोजिशन की गई, जो वाइट थे, वाइट पीपल थे, उन्होंने गवर्नमेंट की ऑपोजिशन की और गवर्नमेंट ने इस बिल को क्या कर लिया, विदड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल को विदड्रॉ कर लिया गया, तो इससे इंडियंस को क्या हो गया, और ज्यादा वो एंग्री हो गए। ठीक है, और इससे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो लोगों की हम कह सकते हैं कि डिससेटिस्फेक्शन थी, वो और ज्यादा इंटेंसिफाइड हो गई। आपकी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है दैट व्हाई द डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल वाज इंटेंसिफाइड इन 1870 एंड 1880। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन में आप ये सारे पॉइंट्स लिखोगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स, आर्म्स एक्ट वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, फर्स्ट ये हो गया, देन सेकंड ये, और फिर थर्ड ये, विदड्रॉल ऑफ द इल्बर्ट बिल, ये तीनों पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हो। क्लियर, यहां तक क्लियर है? नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे क्रिएट हुई, कैसे इंटेंसिफाइड हुई। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे जैसे ये इल्बर्ट बिल भी पास हो गया था, ठीक है, तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जो एक जरूरत थी वो अब लोगों को फील होने लगी। ठीक है, कि एक पूरे ऑल इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जहां अलग अलग जो लोग हैं वो इकट्ठे हो सके। 1880 के बाद तो और ज्यादा ये जरूरत फील होनी शुरू हो गई। ठीक है, और इल्बर्ट बिल की जो कॉन्ट्रोवर्सी हो गई उससे ये डिजायर और ज्यादा डीप हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ये एस्टेब्लिश की गई एज ए ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि 72 डेलीगेट्स उस टाइम पर, डेलीगेट्स मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, अलग अलग जगह से ये रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और ये सभी इकट्ठे मिले बॉम्बे में 1885 में। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1885, दिसंबर 1885 at Bombay, where 72 delegates from different all over the country, different regions, they met together. और इसके जो mainly famous leaders थे उनके नाम हैं, हाँ जी, तो रन्या इसको read करो जरा, ये different leaders के नाम, दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह, फिरोज शाह मेहता, बदरउद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू सी बोनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर, अमंग अदर्स वाज लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कलकत्ता। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो लीडर्स थे यहाँ पे, ठीक है, नरोजी जैसे बताया गया कि बिजनेसमैन पब्लिसिस्ट थे जो लंदन में उन्होंने सेटल हो गए थे। ठीक है, बाद में वो ब्रिटिश पार्लियामेंट, अभी हम और भी डिस्कस करेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी वो मेंबर थे। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे, इसके लीडर थे, फेमस लीडर थे, उन्होंने कई आगे इंडियंस को गाइड किया। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि ये तो ठीक है एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, अब कैसे और फर्दर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई। ठीक है, कांग्रेस, अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई, इसके मेंबर्स, अब क्या इनकी एक्टिविटीज रही, कैसे इन्होंने काम करना स्टार्ट किया और नेशनलिज्म की जो फीलिंग हम कह रहे हैं उसको कैसे प्रमोट किया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ये सारा, अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे, इसको रीड करके रखना, आपने ये रीड करना है, नेशन इन द मेकिंग। ठीक है, नेशन इन द मेकिंग, कि कैसे एक नेशन जो था वो बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ओके देन, थैंक यू। सो
कीप गो थ्रू दिस टॉपिक थॉरली, जो हम रीड कर रहे हैं उसको साथ साथ में जरूर रीड करो, क्योंकि ये टॉपिक लेंथी भी थोड़ा सा है और इसमें काफी सब पॉइंट्स हैं, तो अगर साथ साथ में आप इसको करते रहोगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो साथ साथ में पॉइंट्स को भी अंडरलाइन करते रहना और इसके जितने क्वेश्चंस डेली हमारे बनते हैं वो भी साथ साथ में करते रहना। अगर कुछ डिफिकल्टी होगी देन वी विल डिस्कस। ओके देन, थैंक यू बेटा।